आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों से। चांदन पुलिस को लगातार सफलता से कार समेत 450 बोतल शराब के साथ दो युवक गिरफ्तार, भेजा जेल। वेदित हो कि राज्य में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया जारी है, जिसे कहते हैं पंचायत चुनाव के विशेष मांग पर शराब कारोबारी तरह तरह के हथकंडे अपनाकर शराब पूर्ति करने में लगे हैं। इधर जिले के पुलिस पदाधिकारी भी लगातार जगह जगह वाहन चेकिंग अभियान चलाकर शराब कारोबारियों के विरुद्ध छापेमारी की जा रही। वहीं चांदन देवघर मुख्य सड़क मार्ग के बहंगा पुल के समीप थानाध्यक्ष रविशंकर कुमार के निर्देश पर पुलिस गश्ती टीम ने वाहन जांच अभियान के दौरान एक कार से 450 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ दो युवक शराब कारोबारी को गिरफ्तार करने में सफल रहा। पुलिस सूत्रों के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर बुधवार की सुबह गश्ती के दौरान वो अन्य अर्जुन कुमार और बेहंगा पुल के समीप देवघर की तरफ से आ रही एक कार को जांच के लिए रोका गया। जांच के दौरान कार की सीट में छिपा कर ले जा रहे झारखंड निर्मित रॉयल ब्रांड की 450 बोतल अंग्रेजी शराब जब्त की गई। लगातार शराब कारोबारियों के मंसूबों को नाकाम करते हुए चांदन पुलिस भी हैरान हो रही है। एक सप्ताह के भीतर लगभग हजारों लीटर अवैध शराब बरामद कर चुके हैं, जो प्रशासन का सिर दर्द बना हुआ है। इधर गिरफ्तार शराब कारोबारी दरभंगा निवासी श्रवण कुमार यादव पिता चंदेश्वर यादव और विनोद कुमार पिता राम बाबू यादव के रूप में पहचान की गई। कड़ी पूछताछ करने के बाद गिरफ्तार शराब कारोबारी ने बताया कि पंचायत चुनाव को लेकर विशेष मांग पर शराब को मुंगेर पहुंचाया जा रहा था। इस संबंध में थानाध्यक्ष रविशंकर कुमार ने बताया कि इस मामले में आरोपी के खिलाफ मद्य उत्पाद अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। लाइव टीवी समाचार के लिए संवाददाता उमाकांत शाह की रिपोर्ट। इस स्पेशल बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन लाइव टीवी समाचार पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहे लाइव टीवी समाचार। हमारी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, खबरों को शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और होते रहिए हर खबरों से रूबरू। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत।